ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। बाबा ने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। कभी हम सोचते थे कि सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में या विष्णु जी के हाथ में है और वो उनसे संहार का कार्य करते हैं, परंतु अब हमें पता चल गया कि सुदर्शन चक्र तो हमारे पास भी है और हमें उससे संहार करना है व्यर्थ संकल्पों का, मनोविकारों का, दुष्वृत्तियों का, अपने व्यसनों का। बाबा ने ज्ञान देकर हमें भरपूर किया और स्मृतियां दिलाई। एक बहुत बड़ी स्मृति ये दिलाई, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम तो संपूर्ण पवित्र थे। इसको यदि हम याद करते हैं तो व्यसनों को छोड़ने का बल हमारे पास आ जाता है, निर्विकारी बनने की प्रेरणाएं तेजी से हमें प्राप्त होने लगती हैं। उससे भी पहली स्मृति दिलाई थी, तुम आत्मा हो, महान हो। आत्मा का ज्ञान तो शास्त्रों में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन बाबा ने हमें स्वमान भी याद दिलाए, तुम साधारण आत्मा नहीं, तुम महान आत्मा हो, तुम शक्ति संपन्न हो। अनेक चीजें आत्मा की हमें याद दिलाई, और यदि हमें ये याद आती रहे, यदि हमारे अंदर ये जागृति हो जाए, तो हमारा देह भान छूटता जाएगा और देह भान से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं, विकार, मन का भारीपन सब समाप्त होता जाएगा। तीसरी स्मृति दिलाई हमें हमारे पूज्य स्वरूप की, कि सतयुग से तुम चले इस संसार में, सतयुग तुम्हारा बहुत सुंदर भी था, त्रेता भी बहुत सुंदर भी था, तुम वहां पर निर्विकारी थे, और फिर द्वापर युग के बाद तुम ही पूज्य बनकर सबके इष्ट बन गए, क्योंकि तुमने संगम युग पर दो कार्य किए, स्वयं को पवित्र बनाया और बाबा के महान कार्य में मददगार बने, इस कारण तुम्हारी पूजा होती है। तो हम पूज्य बन गए। पूज्य स्वरूप को यदि हम याद करते हैं, अपने पूज्य स्वरूप को याद करें, हम दाता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, सबके विघ्न नष्ट करने वाले, सबको पापों से मुक्त करने वाले, सभी को दुखों से दूर करने वाले, विद्या देने वाले, बुद्धि देने वाले, सफलता देने वाले, विघ्न हरने वाले, ये हमारा पूज्य स्वरूप है। गहराई से इस फीलिंग में आए, ये मेरा स्वरूप है। और चौथा याद दिलाया, तुम अब ब्राह्मण हो, गॉडली स्टूडेंट, भगवान के बच्चे, उसकी पालना में पलने वाले, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने वाले, और तुम्हें बनना है फरिश्ता। तुम कल पहले भी फरिश्ते बने थे। देखिए, हमें पूरे 5000 साल की कहानी बाबा ने याद दिला दी, और कितना अच्छा हुआ कि जब हम इस यात्रा के अंत में पहुंचे तो स्वयं भगवान ने आकर हमारी थकान मिटा दी। उसने कहा, बच्चे मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे दुखों के दिन पूरे हुए, अब मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ, तुम अथाह शांति में रहोगे और फिर जाकर पुनः विश्व पर राज करोगे। तो ये हमारे 5 स्वरूप हैं, इनका हम बहुत अच्छी तरह अभ्यास करते रहें। इन 5 स्वरूपों के अभ्यास से हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में दिव्यता आ जाएगी, योग बहुत अच्छा लगेगा। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह हर घंटे में एक बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, अपने एक एक स्वरूप को सामने इमर्ज करेंगे और ये फीलिंग देंगे, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। इससे देखें सारा दिन कितनी सुखद फीलिंग रहेगी, व्यर्थ से पूरी तरह आप मुक्त हो जाएंगे। साथ साथ
जब ब्राह्मण स्वरूप को याद करें तो अपने किसी अच्छे स्वमान को भी याद करेंगे, और आज का स्वमान होगा, मैं इस जहान का नूर हूँ, मेरे ऊपर सारी सृष्टि का आधार है, मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त भी हूँ। तो आज इस नशे में रहते हुए सारा दिन बहुत अच्छी तरह पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।